दोस्तों, अवरल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई है और कई दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ अकबर नगर व्यवसायिक प्रतिष्ठान गिराने पर 4 मार्च तक रोक लगा दी है। तब तक कारोबारी यहां से अपना सामान निकाल सकते हैं। शीर्ष अदालत ने इन दुकानों के पीछे स्थित रिहायशी इमारतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने तक कोई कार्रवाई न करने के लिए भी कहा है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक हाल ही में नस्लवाद के बारे में अपने बयान से काफी चर्चा में रहे हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने देश में प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने खास तौर पर ऐसी हिदायत दी है जिसमें भीड़ तंत्र यानी प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरती जा सके। इसके चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पुलिस प्रमुखों से भीड़ तंत्र पर सख्ती बरतने को कहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को जान से मारने की धमकी देने वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान योगेश सावंत के तौर पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी में रालोद को 2 सीटें, अपना दल को 2 सीटें, निषाद पार्टी को 1 सीट और राजभर की पार्टी सुभा सपा को 1 सीट दे सकती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। भारत में क्रिटिकल मिनरल के उत्खनन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सरकार ने इसके लिए पहले चरण में 20 मिनरल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। क्रिटिकल मिनरल यानी दुर्लभ खनिजों के खदानों की इस पहली नीलामी में कई नामी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है, जिनमें वेदांता, कोल इंडिया, ओला इलेक्ट्रिक आदि शामिल हैं। यूपी के रामपुर जिले में मंगलवार 27 फरवरी को भीमराव अंबेडकर की होर्डिंग हटाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। इस बीच 17 साल के एक दलित युवक को गोली लगने से मौत हो गई। मरने वाला युवक 17 साल का था, साथ ही 10वीं कक्षा का छात्र था। आज इस मामले पर एक्शन लेते हुए यूपी सरकार ने मामले में संबंधित उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं इस घटना को लेकर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार समेत 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में बेहद लोकप्रिय हो रही क्रेटा को N-Line नाम से एक नए वर्जन के रूप में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस SUV को आधिकारिक तौर पर 11 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। हो रही क्रेटा N-Line 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है। यह 158 BHP की पावर और 253 Nm का टॉर्क प्रदान करता है। इस इंजन में 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन मिलता है। इसके अलावा इसमें 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स भी दिया जा सकता है। झांसी की रानी समेत कई टीवी सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिखने वाले मशहूर लेखक मिराज जादी का निधन हो गया है। मिराज ने प्रयागराज के दादूपुर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वे 76 साल के थे और पिछले काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे का आदेश देने वाले जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश को सेवानिवृत्त होने के बाद लखनऊ के शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी में लोकपाल नियुक्त किया गया है। अमेरिका का एक अंतरिक्ष विमान चांद की सतह पर 1 सप्ताह तक टहलने के बाद लंबी नींद सो गया है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंटुएटिव मशीन्स के इस ओडिसियस नामक स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतरने के लिए 1 सप्ताह पहले लॉन्च किया गया था। चांद पर इस यान की लैंडिंग भारत के चंद्रयान 3 की तरह नहीं हुई और उतरते ही इस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का एक पैर टूट गया और यह चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर पलट गया। इसी तरीके की फटाफट खबरें देखने के लिए अवरल टाइम से जुड़े रहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।